सर कोई शेयर रडार पर है आपके? तो एक तो मैं मंडी बहुत कॉशियस बोल रहा हूँ, लेकिन एक जो स्टॉक जो नजर में आया, जो काफी वॉल्यूम, जब भी वॉल्यूम्स आते हैं विवेक, तो हमें उसको वेटेज देना होता है। तो आज जी रेलटेल जो एक स्टॉक है जो 445 के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, तो उसमें वॉल्यूम वॉल्यूम आया काफी सारा। 50 दिन, 200, सॉरी 200 दिन का मूविंग एवरेज जो हाल ही में वो ब्रेक किया था स्टॉक ने, वो फिर से रिकॉन कर लिया है। तो नॉर्मली इसमें स्ट्रेंथ आया डेफिनेटली, तो जब स्ट्रेंथ के चलते मुझे लग रहा है इसमें एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, डायरेक्शनल ट्रेड हो सकता है ये। रेल में हम, मुझे लग रहा है कि ये प्राइस 445 से 445 रुपए के स्प्रेड पे हम टेजिंग कर सकते हैं। जो स्टॉप लॉस है 423 का रहेगा और जो टारगेट देख रहा हूँ 475। तो ये पहला एक ट्रेड है। और दूसरा एक अपॉर्चुनिटी जो देख रहा था वो मैं इसमें वोल्टास में देख रहे थे। वोल्टास में भी काफी अच्छा बाइंग देखने को मिला है। हो सकता है कि ये इरेस्पेक्टिव मार्केट में करेक्शन होते हुए भी इसमें शायद एक आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। जो स्टॉप लॉस है वो 1847 का है और जो टारगेट है 1984। तो ये दोनों ही ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है जो मुझे लग रहा है कि हम ये मार्केट में ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल, वोल्टाज करीब 3.5% ऊपर है, लेकिन यहाँ से अभी सर के जो टारगेट्स हैं वो भी करीब करीब 105 रुपये ऊपर हैं। अभी ये काउंटर 1878 चल रहा है और 1984 के टारगेट हैं 1847 रुपये का स्टॉप लॉस। तो यहाँ से लगभग 30 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस और 105 रुपये ऊपर का टारगेट, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से काफ़ी शानदार है। रेलटेल जिन लोग, क्योंकि इस पर सवाल काफ़ी पूछते हैं लोग, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी कॉल ये रहेगी, क्योंकि 475 रुपये तक वो होल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर 423 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस काउंटर पर बने रह सकते हैं। साथ ही SBI कैपिटल के सनी सर हमारे साथ जुड़े थे। उनका मानना है PN गाडगिल ज्वेलर्स फंडामेंटलिस्ट हैं, तो उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं दिए, 771 रुपये पर खरीदें और 875 के टारगेट, यानी कि लगभग 104 रुपये ऊपर के टारगेट सनी सर ने दिए हैं। और दूसरी उनकी कॉल जिस पर वो बुलिश हैं, जस्ट डायल, इस पर हमारे काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछते हैं और नतीजे भी आए थे कंपनी के। 1242 रुपये पर उन्होंने बाय कॉल इनिशिएट किया है, टारगेट उन्होंने दिया है 1600 रुपये का। तो यहाँ पर ये फंडामेंटल कॉल होती है, ये करीब 1 साल के लिए आपको पोर्टफोलियो में रखनी होती है, तो यहाँ पर आपको दोनों ही काउंटर्स पर करीब 20 से 30% का रिटर्न मिल जाएगा। और दूसरी जो ब्रिजेश सर की कॉल है, उन पर ट्रेडिंग व्यूज़ हैं या शॉर्ट टर्म व्यूज़ हैं, तो शॉर्ट टर्म व्यूज़ के लिहाज से आप उन दो कॉल पर भी टेक ले सकते हैं। ब्रिजेश सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। बहस के नाम पर मुर्गों की लड़ाई, कहीं का दर्द कहीं की दवाई, चिल्लाते चीखते खबरों के थिएटर, मगर काम की खबर रत्ती भर। खूब कीजिए खबरों से मनोरंजन, लेकिन जेब की भी चिंता कीजिए भगवान। काम की खबरें जाननी है तो जुड़े मनी 9 के साथ। सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।